हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। अपना रनिंग चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश चल रहा है। पिछले वीडियोस के अंदर हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो, नया अनुपात और त्याग का अनुपात कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बारे में मैंने आपको समझाया। आज का जो टॉपिक है, सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ रेशोस, एग्जाम के अंदर बेसिक तो वही है लेकिन लैंग्वेज जो क्वेश्चन की है वो अलग अलग आती है। एग्जाम के अंदर अपन लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। There is no hard and fast rule. You will have to understand the language of question. मैं practical question से नया अनुपात और त्याग का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, कुछ important questions लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो question लिया है, A और B तीन अनुपात दो के अंदर साझेदार हैं। A and B were partners in the ratio of 3:2. सी को एडमिशन दिया, सी फॉर हाउ मच, सी को एडमिशन दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लेकिन एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए अपने हिस्से का 1/3 किसको देता है, सी को देता है। लैंग्वेज क्या है, ए अपने हिस्से का 1/3 सी को देता है। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा 3/5 था और इसका का यानी गुणा, अपने हिस्से का 1/3 किसको देता है, सी को देता है। तो ए ने सी को कितना दिया, 3 × 3 = 15, ये ए ने दिया। तो ये ए का पर्सनल सैक्रिफाइस हो गया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है कि बी अपने हिस्से में से, लैंग्वेज को ध्यान से सुनेंगे, लैंग्वेज क्या है, बी अपने हिस्से में से 1/10 सी को देता है। मींस बी सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी ने अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया तो बी का हिस्सा कितना था, 2/5 था। 2/5 में से माइनस कर देंगे तो इसलिए बी ने कितना दिया, 1/10 बी ने दे दिया किसको, सी को। यानी कि ए ने 3/15 दिया और बी ने 1/10 दिया। तो इन दोनों फिगर्स का टोटल, ये ए और बी का पर्सनल सैक्रिफाइस है। दिस टोटल ऑफ दीज फिगर्स शुड बी इक्वल टू द शेयर ऑफ सीज शेयर। इसको अपन जोड़ के देखेंगे, 3/15 ए ने दिया और बी ने अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया। एलसीएम 30, 15 × 30 2 × 6 प्लस 10 × 30 3 × 3 6 × 3 9/30। 9/30 हिस्से के लिए किसको एडमिशन दिया गया, सी को एडमिशन दिया गया। अपन इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 10, यानी कि सी वॉज एडमिटेड फॉर 3/10। तो अपनी इस समस्या का समाधान तो हो गया कि सी कितने के लिए एडमिशन दिया गया, सी को 3/10 के लिए एडमिशन दिया गया। अब क्वेश्चन कहता है कि नया अनुपात ज्ञात करो और त्याग का अनुपात ज्ञात करो। इसको अपन फॉर्मूले की हेल्प से, अब अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस पर्सनल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अपन ए का न्यू रेशो कैलकुलेट करें तो ए का ओल्ड रेशो क्या था, 3/5, ओल्ड रेशो 3/5
फाइव माइनस पर्सनल सैक्रिफाइस जो ए का था वो 3/15 था। अब बी का कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से तो ओल्ड रेशो बी का कितना था 2/5 माइनस हिज पर्सनल सैक्रिफाइस 1/10, ये 1/10 किसने अपने हिस्से में से दे दिया था। और सी का जो हिस्सा है अपन ने कैलकुलेट किया 3/15, इसने ए से लिया और 1/10 बी से लिया। तो या तो अपन इन दोनों फिगर को जोड़ के ब्रैकेट में रख ले, और या अपन ने अभी कैलकुलेट किया था 3/10 सी वॉज एडमिटेड फॉर 3/10, तो मैं डायरेक्ट यहां पर ये सी का हिस्सा 3/10 लिख लिया। अब अपन को एलसीएम में ऐसी संख्या लेनी है जो 5 से 15 से और 10 से डिवाइड हो जाए, तो ये संख्या ये जो फिगर हो सकता है 30 हो सकता है। 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 15 2 जा 2 3 जा 6, देन 5 6 जा 5 6 3, 6 को 2 से गुना करेंगे 6 2 12 माइनस 10 3 30 3 1 3 10 3 30 3 3 9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे 18 में से 6 गए तो 12 और 12 में से 3 गए तो 9 और ये 9। अब अपन देख रहे हैं कि ये मिनिमाइज हो सकता है, ये संख्या 3 से कट रही है तो मैं इसको 3 से काटूंगा, 3 4 12 3 किया 9 और 3 किया 9। तो आंसर नंबर फर्स्ट अपना आ चुका है। ए बी और सी का जो न्यू रेशो होगा नई फर्म के अंदर वो कितना होगा 4:3:3। मैं इस आंसर को यहां लिख लेता हूं, न्यू रेशो 4:3:3 आंसर नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला रखूंगा, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, SON, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, ए और बी सैक्रिफाइस करेगा, तो मैं ए का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करूंगा तो ओल्ड रेशो, ए का ओल्ड रेशो क्या था 3/5 माइनस न्यू रेशो अपन ने कैलकुलेट किया था 4:3:3, 4 और 3 7 और 3 10, तो इसके अंदर ए का शेयर कितना है 4/10, ये इसके अंदर से न्यू रेशो इसको मैंने माइनस कर दिया। और इसी तरह से बी का कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रेशो बी का कितना था 2/5 माइनस न्यू रेशो जो अपन ने कैलकुलेट किया वो 3/10 था। अब इसका एलसीएम कितना आया 10, 5 2 10 2 3 6 माइनस 10 1 10 ये 4, और 5 2 10 2 2 4 माइनस 10 1 10 ये 3, 6 में से 4 गए तो 2 और 4 में से 3 गए तो 1, ये अपना आंसर नंबर सेकंड आ गया। आंसर नंबर सेकंड यानी कि सैक्रिफाइस किस रेशो के अंदर किया, इसको जो 3/10 हिस्सा इन्होंने दिया ये किस रेशो में दिया 2:2:1 में। कहने का मतलब 3/10 का 2/3 तो ए ने दिया और 3/10 का 1/3 किसने दिया बी ने दिया, जो कि किसके बराबर हो गया 1/10 के बराबर। फॉर्मूले से अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि विदाउट फॉर्मूला मैं यदि कैलकुलेट करना चाहूं तो यहां पर अपन ने पर्सनल सैक्रिफाइस ए का कितना था 3/15 ए का सैक्रिफाइस था, और यहां पर सैक्रिफाइस रेशो का साइन लगा देंगे, और बी का पर्सनल सैक्रिफाइस कितना था 1/10, यहां पर मैंने एलसीएम कितना ले लिया 30, 15 2 30 2 3 6 10 3 30 3 1 3, यानी कि आंसर क्या आया 6:3। अब मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा, 3 से ये संख्या कट जाएगी 3 2 6 और 3 1 3, तो स्टूडेंट्स अपना आंसर वही आ रहा है।
तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो इंपॉर्टेंट थी। लैंग्वेज क्या थी? ए ने अपने हिस्से का ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, जबकि बी के बारे में क्या लैंग्वेज थी? बी सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 आउट ऑफ हिज शेयर्स। रेशोस के क्वेश्चंस को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल और लेंगे। मैं रेशोस के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि पार्टनरशिप का जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो न्यू रेशो या सैक्रिफाइस रेशो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यदि फर्स्ट स्टेप यदि अपना गलत हो गया तो आगे का क्वेश्चन अपना पूरा गलत हो जाएगा। और एक एग्जांपल से इन रेशोस को समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन को एग्जामिनेशन में समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं ताकि आपके और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ए बी सी वर 3 पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1, 3:2:1 में साझेदार थे। चौथा पार्टनर डी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए, और क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा कितना है? 1/6। क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि सी का अनुपात, सी का हिस्सा चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। कब? डी के एडमिशन के बाद में भी सी को पहले भी 1/6 मिल रहा था, और बाद में भी कितना मिलेगा? 1/6 मिलेगा। फिर क्वेश्चन के अंदर बोला डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6, डी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, तो नया अनुपात ज्ञात करो। अब अपन को यह मालूम है कि डी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और सी का हिस्सा एज इट इज रहेगा, यानी कि सी कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो ये जो डी 1/6 हिस्सा है ये किससे लेगा? ए और बी से लेगा। अब प्रश्न उठता है कि 1/6 हिस्सा 1/6 में से ए से तो कितना लेगा और बी से कितना लेगा? दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया था? व्हेन द सैक्रिफाइस रेशो और द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज देयर सैक्रिफाइस रेशो। सूचना के अभाव में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही उनका त्याग का अनुपात माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? सी कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तो कौन बचा? ए और बी। तो ध्यान रखना है कि यहां पर हम ए और बी का ही रेशो लेंगे, तो ए और बी का सैक्रिफाइस कितना बचा? 3:2, यानी कि ए और बी 3:2 के अंदर किसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे? डी के लिए। बोर्ड के ऊपर देखेंगे डी कितने के लिए आया? 1/6 के लिए आया। तो ए कितना सैक्रिफाइस करेगा? 1/6 का गुणा यानी का 1/6 का ये 3/5 तो किससे लेगा? ए से लेगा। और डी अपना हिस्सा 1/6 का बी से कितना लेगा? 2/5 लेगा। ये 2/5 बी से ले लिया, तो ये बी से ले लिया। अब इसका पर्सनल सैक्रिफाइस 3 × 3 = 6 और इससे कितना लिया? 2/30। 3/30 ए से लिया और 2/30 किससे लिया? बी से लिया। क्रॉस चेक करेंगे 3/30 और 2/30 ये किसके इक्वल होना चाहिए? डी के हिस्से के बराबर होना चाहिए। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपन को इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो 3/30 + 2/30 एलसीएम कितना आया? 3 + 30 = 2 5/30 इसको काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 30 यानी कि अपना कैलकुलेशन क्या है? सही है। अब फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, पर्सनल सैक्रिफाइस, नॉट सैक्रिफाइस रेशो, पर्सनल सैक्रिफाइस को लेस कर देंगे।
ए का यदि अपन कैलकुलेट करें तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6। ए का 3/6, इसके अंदर से ए का पर्सनल सेक्रीफाइस अपन ने कैलकुलेट कितना किया, 3/30। ये ए का न्यू रेशियो आ गया। बी का करेंगे तो ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो क्या था, 2/6। 2/6 माइनस पर्सनल सेक्रीफाइस ऑफ बी कितना, 2/30, जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया ये बी का आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन थी सी का जो हिस्सा है कितना है, 1/6 था, ये एज इट इज रहेगा, तो सी का हिस्सा एज इट इज 1/6। और डी का क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी का क्वेश्चन में दिया हुआ है डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6, और यहां पर इनके पर्सनल सेक्रीफाइस को भी अपन ने जोड़ के देखा तो कितना आया, 1/6, इसलिए यहां पर अपन 1/6 लिख देंगे। अब मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 6 × 5 = 30, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 दिया 15, माइनस 30 से कम 30, तो ये 3, 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10, माइनस 30 से कम 30, तो ये 2, 6 × 5 = 30, 5 से कम 5, 6 × 5 = 30, 5 से कम 5, आगे यदि मैं इसको सोल्व करूंगा, 15 में से 3 गए तो 12, 10 में से 2 गए तो 8, 5 का 5 और 5 का 5, यानी कि नई फर्म ए बी सी और डी चार पार्टनर का जो रेशियो होगा 12:8:5:5 होगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये राजस्थान बोर्ड के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी 3:2 के अंदर साझेदार है, सी को एडमिशन दिया गया, कितने के लिए एडमिशन दिया गया, इसके अंदर मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। सी को एडमिशन दिया और क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन दी है कि सी के एडमिशन के बाद में भी, आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी, बी और सी के बीच में वही अनुपात रहेगा जो ए और बी के बीच में था, यानी कि बी और सी का रेशियो भी क्या रहेगा, जो कि ए और बी के बीच में था, तो यानी कि ए और बी के बीच में रेशियो कितना था, 3:2, तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी द रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी 3:2। रिक्वायरमेंट क्या है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ये थोड़ी अलग है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो रेशो था वही रेशो बी और सी के बीच में रहेगा, तो बी के नीचे मैं बी लिखूंगा और सी के नीचे सी लिखूंगा। अब ए और बी के बीच में रेशो कितना था, ए और बी के बीच में रेशो था 3:2, और बी और सी के बीच में भी वही रेशो रहेगा, तो ये जो सेंटर में है 2 stands for B, तो बी और सी के बीच में भी रेशो कितना रहेगा, 3:2। इस क्वेश्चन को इस तरह से सेट कर लेंगे। अब क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला रेशियो है 3:2, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये जो नीचे मैंने लिखा है 3:2, इसको इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो बी की वैल्यू है, ये जो बी की वैल्यू है ये बराबर हो जाए। एक बार दोबारा देखेंगे, मैंने क्या किया, ये जो ऊपर 3:2 लिखा हुआ है मैंने इसको बी वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो नीचे 3:2 लिखा हुआ है इसको मैंने ये ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको 3 से,
थ्री को थ्री से थ्री थ्री जा नाइन और थ्री टू जा सिक्स। अब क्या करूंगा, इस दो को इस तीन से गुणा करूंगा तो दो तिया छह, बी के नीचे बी लिखेंगे और दो दुनी चार, तो आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, नाइन इज टू सिक्स। ये बी का कॉमन है कितना, सिक्स, नाइन इज टू सिक्स इज टू फोर। अब इसको अपन मिनिमाइज नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नाइन इज टू सिक्स इज टू फोर। समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू टू। ए और बी तीन अनुपात दो में साझेदार थे। सी को एक बटा पांच हिस्से के लिए एडमिशन दिया गया। लैंग्वेज क्या है कि ये जो सी नया पार्टनर आया है, सी अपना एक बटा दो हिस्सा ए से, सी अपना एक बटा दो हिस्सा, आधा हिस्सा किससे लेता है, ए से लेता है। बोर्ड के ऊपर देखेंगे, सी वॉज एडमिटेड फॉर वन बाय फाइव, सी को एक बटा पांच हिस्से के लिए एडमिशन दिया, तो इसका आधा इसने किससे लिया, ए से लिया। यानी कि ए का जो पर्सनल सैक्रिफाइस अपन निकालेंगे, एक बटा पांच का आधा यानी कि एक बटा दो, तो एक बटा दस इसने किससे ले लिया, ए से ले लिया। यहां तक बात क्लियर है? एक बटा पांच का आधा कितना हुआ, एक बटा दस इसने ए से ले लिया। आगे लैंग्वेज क्या है, और शेष हिस्सा ए तथा बी से बराबर बराबर लिया। एक बटा पांच के लिए सी आया है, इसका आधा तो किससे ले लिया, ए से। अब शेष कितना बचा, आधा, आधा बचा, तो सी का हिस्सा पूरा कितना हुआ, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, सी के पूरे हिस्से को अपन एक मान लेते हैं, तो एक में से एक बटा दो आधा इसने किससे ले लिया, ए से, ए से ले लिया, तो बाकी कितना बचा, दो एकम दो, दो में से एक माइनस किया तो ये आधा बच गया, ये शेष आधा बचा। लैंग्वेज क्या कह रही है क्वेश्चन की, कि शेष हिस्सा सी ने किससे लिया, ए और बी से बराबर बराबर लिया, तो शेष हिस्सा कितना बचा, एक बटा दो, यानी कि एक बटा दो का बराबर बराबर ए और बी से लिया, तो एक बटा दो का एक बटा दो। स्टूडेंट थोड़ा कैलकुलेशन को अपन चेक करेंगे, एक बटा पांच का आधा कितना हुआ, एक बटा दस। यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो आधा एक बटा पांच का एक बटा दो है, तो आधा और कितना बचेगा, आधा और बचेगा, शेष हिस्सा जो बचेगा वो पट नेचुरल एक बटा दस ही बचेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शेष बचा हिस्सा है, ए और बी से बराबर बराबर लिया, यानी कि एक बटा दस का आधा, आधा तो किससे लिया, ए से लिया, और बचा हुए एक बटा दस का आधा किससे लिया, बी से, तो एक बटा दस का एक बटा दो कितना हुआ, एक बटा बीस, तो दोबारा इसने ए से लिया, और एक बटा बीस इसने किससे लिया, बी से लिया। यानी कि तीन बार करके इसने हिस्सा लिया, ए से आधा ले लिया, एक बटा दस, एक बटा दस, और फिर दोबारा दोबारा किससे लिया, ए से कितना ले लिया, एक बटा बीस। तो ये तो हो गया ए का सैक्रिफाइस, टोटल दो बार में करके लिया, एक बटा दस एक बार लिया और एक बटा बीस एक बार लिया, और बी से कितना लिया, बी से एक बटा बीस लिया। अब एलसीएम कितना आएगा, बीस, दस दूनी बीस, दो एकम दो,
प्लस बी से कम 20, यानी कि 2 और 1 3/20 तो किसे ले लिया, ए से, और बी से, बी से कम 20, 1/20 किसे ले लिया, इसे बी से ले लिया। अब मैं इसको जोड़ के देखूं तो 3/20 ए से लिया और 1/20 बी से लिया, एलसीएम कितना आ गया 20, 20 से कम 20, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 20 से कम 20 तो 4/20, 4/20 आ गया। 4/20 का मतलब क्या हुआ, 1/5, 4 एकम 4 और 4 5 20, ये अपन ने इसको कंफर्म करके देख लिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सैक्रिफाइस रेशो भी कैलकुलेट करना है। पर्सनल सैक्रिफाइस ए का इतना था, बी का 1/20 था, यदि मैं इस प्लस की जगह अनुपात का निशान लगा दूं तो अपने पास में सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। इस प्लस के निशान को मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहां से हटा दिया, तो सैक्रिफाइस रेशो कितना आया, 3:1। अब अपन को स्टूडेंट्स क्या करना है, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करके और न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स अब अपन इसका न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जितनी बार भी क्वेश्चन करेंगे उतनी बार अपन फॉर्मूला रखेंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस पर्सनल सैक्रिफाइस। ए की बात करें तो एडमिशन से पहले ए को कितना मिल रहा था, 3/5 ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो यानी पहले कितना मिल रहा था, और 3/5 में से इसका पर्सनल सैक्रिफाइस अभी अपन ने कैलकुलेट किया था कितना, 3/20, इसमें से अपन ने माइनस कर दिया तो ये 3/20। अब बी की बात करें, बी की बात करते हैं तो बी का ओल्ड रेशो कितना था, 2/5, बी को पहले मिल रहा था 2/5 और इसका पर्सनल सैक्रिफाइस अपने लाभ के हिस्से में से इसने सी को कितना दे दिया, 1/20 इसको दे दिया, ये किसका आ गया, बी का आ गया। और सी वॉज एडमिटेड फॉर 3/1/5, 1/5 इज इक्वल टू पर्सनल सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड बी, अभी मैंने इन दोनों को जोड़ के आपको दिखाया था, तो सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5, मैं डायरेक्ट यहां पर 1/5 यहां पर लिख रहा हूं। एलसीएम कितना आ गया, 20, 5 4 20, 4 दिया 12 माइनस 20 से कम 20, 1 दिया 3, 5 4 20, 4 2 8 माइनस 20 से कम 20, 1 को इस 1 से गुणा करेंगे, 20 से कम 20, 1 एकम 1, अब 5 का बड़ा 20 में तो 5 4 20, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, तो 12 में से 3 गए तो 9, 8 में से 1 गया तो 7 और यहां पर कितना आ गया, 4। तो अपना आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 9:7:4। इस तरह से एग्जाम के अंदर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रेशोस के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरह से पढ़नी है और उस लैंग्वेज को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपन को रेशोस के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको कह रखा है कि योर क्वेश्चंस एंड योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं और इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।